कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज छठे दिन श्रीनगर होते हुए खांकरा पहुंच गई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ से जुड़े मुद्दों को लेकर के शुरू की गई ये यात्रा है। वहीं बीजेपी ने इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यात्रा राजनीति से प्रेरित और पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये यात्रा निश्चित रूप से उत्तराखंड की संस्कृति और देव भूमि की रक्षा की है। केदारनाथ बाबा की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का नाम इसलिए रखा गया, गंगा माँ के यहाँ से आशीर्वाद लेके हम निकले, केदारनाथ बाबा के तक जाएंगे, जलाभिषेक के संग पूजा अर्चना के संग न्याय की गुहार भी करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी चुनावी लाभ के लिए लगातार नफरत फैला रही है पूरे देश में, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, उसके असली चेहरे को दिखाना चाहते हैं। कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्राश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हो, बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की, भगवान केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहां आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे टेहरी गढ़वाल